Hey, what's up everyone? I'm your DJ and welcome back to our channel. Hope you all are well. तो थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा एक फ्री की सीनरी मिलने वाली है, और वो कैसे मिलने वाली है बिना टाइम वेस्ट करे मैं जल्दी से बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक शील्ड बनी आई है और ये नया नया इवेंट आया है, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैन, हाँ हमारे क्लैश ऑफ क्लैन को 10 साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल पूरे हो चुके हैं मेरा मतलब। तो एक नया इवेंट आया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर लिखा है 10 ईयर्स ऑफ क्लैश, मतलब 10 साल पूरे हो गए हैं। और नया इवेंट क्या आया है, 2012 यहाँ पे आपको दिख रहा है, फोटो फ्रेम बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले, और जो ऊपर वाला है वो लॉक हो रखा है, और जो इसके और भी ऊपर है आप यहाँ देख सकते हो, ये सारे के सारे लॉक हो रखे हैं, और इन सब में टाइम पीरियड दे रखा है कि कब अनलॉक होंगे। ये जो पूरा का पूरा चैलेंज है ना, आप यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हो, ये रहेगा पूरे 10 दिन तक। और यहाँ अगर आप साइड में देखोगे, यहाँ पे है रिवॉर्ड, अगर आप जो सबसे नीचे 3 स्टार करने का प्ले बटन आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हो, अगर आप इस पर प्ले करके 3 स्टार ले लेते हो तो आपको अभी के अभी यहाँ पे रिसोर्स पॉइजन मिल जाएगा। और इसके बाद जब टोटल आप नया फ्रेम खुलेगा और आप 9 स्टार कलेक्ट कर लोगे तो एक नया फावड़ा मिल जाएगा, आपको पता है, और इसको बेच के 50 जेम्स मिलते हैं। और तीसरे नंबर पे देखो, अगर 15 स्टार कर लोगे ना, 15 मेरे पास उंगलियां भी नहीं है ऐसे, तो 15 स्टार कर लोगे तो एक नई सीनरी मिलेगी आपको, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आप इसको भी अनलॉक हो जाएगा। तो मतलब कि फ्री की सीनरी मिलेगी, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैन को 10 साल हो चुके हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे पहले 2012 वाला जो फ्रेम है इसको प्ले करते हैं, और मैं दिखाता हूँ इस पर 3 स्टार कैसे ले लें। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपकी पुरानी यादें ताजा होने वाली है, क्योंकि आपको दिखने वाला है टाउन हॉल 8, और आपको अटैक करने के लिए यहाँ पे दे रखे हैं 3 जायंट्स, 12 गोलम, 11 आर्चर और 15 बारबेरियंस, और 3 मिले हैं यहाँ पे वॉल ब्रेकर। तो यहाँ पे 3 स्टार करना बहुत ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले सीसी के ट्रूप बाहर निकालने के लिए एक आर्चर डालना, जिससे आपके सीसी के ट्रूप बाहर आ जाएंगे, और साइड में जब आप जाइंट डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पे आपको टेस्ला टावर मिलेगा, तो आपके जाइंट उसके पीछे पड़ेंगे और जो सीसी के ट्रूप हैं वो उनके पीछे आएंगे। जैसे ही सीसी के ट्रूप बाहर आएंगे, अपने बारबेरियन छोड़ के सीसी के ट्रूप को ख़त्म कर देना, देन उसके बाद एक एक वॉल ब्रेकर डालना, जिससे वॉल ब्रेक होती रहेगी और जाइंट अंदर जाते रहेंगे, और सारा डिफेंस बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, और बहुत आराम से यहाँ पे 3 स्टार आ जाएंगे। मैं थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ, तो यहाँ पे 3 स्टार करना बहुत आसान था। जब नेक्स्ट फ्रेम खुलेगा तो उस पर नई वीडियो लेके आऊँगा, तो नई सीनरी के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ, और आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। टिल देन स्प्रेड लव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू ऑल।